साथियों नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, केमछो, सत श्री अकाल, जय भीम और जय शिव राय। साथियों हमारे मित्र ने हमें फोन किया कि जितना जल्दी हो सके आ जाइए, उनके बागान में कहीं पर कचड़ा वगैरह रखा हुआ है और वहां एक बैंडेड क्रैथ और खास करके बैंडेड क्रैथ बता रहा है कि दो है और हमें भी लग रहा है दो ही बैंडेड क्रैथ है और जो वाटर स्नैक को खाने का मूड में है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे, बड़ा दिलचस्प वीडियो होगा साथियों। देखिए किस तरह एक बैंडेड क्रैथ वो क्या किया है, वाटर स्नैक को लपेट चुका है और दूसरा बैंडेड क्रैथ भी आ गया है और वो भी चाह रहा है कि हम भी इसे खाएं। तो देखा जाए कौन सा बैंडेड क्रैथ वाटर स्नैक को खाएगा। वाटर स्नैक का असली नाम है चेकर्ड किल बैट स्नैक, जिसे हम लोग ढोड़िया के नाम से जानते हैं और ढोड़िया जो है बिना जहर वाला होता है और खास करके ये जो होता है आपका बैंडेड क्रैथ, दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में एक सांप जिसे हम बैंडेड क्रैथ के नाम से जानते हैं। साथियों देखिए इको बैलेंस सिस्टम क्या है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुबारक स्नैक से भर। साथियों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें, क्योंकि और भी तमाम जानकारियां आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यही है बैंडेड क्रैथ, पीला काला सबसे अनोखा सांप और ये वाटर स्नैक को खाता है। ये कोई भी सांप को बड़ा आसानी से खा लेता है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि ये कोबरा को भी खा लेता है, खास करके रसल्स वाइपर को भी खा लेता है, कॉमन क्रैथ को भी खा लेता है, इसीलिए हम लोग इसे सबसे जहरीला मानते हैं। लेकिन इसका जो नेचर है और सब सांपों से अलग है, जैसा कि ये जल्दी काटना नहीं चाहता है और वाटर स्नैक को ये खा लेगा बड़ा आसानी से। तो देख रहे हैं उसको पूरा पूर्ण रूप से दांत गड़ा चुका है और वाटर स्नैक बेहोश भी हो चुका है। अब ये धीरे धीरे उसे खाने का मन बना लिया है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे। पहली नमस्कार उस परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है, पहली नमस्कार उस परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है, दूसरी नमस्कार माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है, तीसरी नमस्कार गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्कार आपको जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। तो साथियों देखिए वाटर स्नैक बिना जहर वाला सांप है और ये बैंडेड क्रैथ जहरीला सांप है। इसे हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर हम हिल डोल किए तो ये खाना बिल्कुल बंद कर देगा। साथियों आप देख रहे हैं किस तरह बैंडेड क्रैथ वो जो आपका खास करके वाटर स्नैक था उसको खींच रहा है अपनी तरफ और वाटर स्नैक बिल्कुल डेथ हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एक्चुअली वाटर स्नैक डेथ जब कर ही चुका है तो इसको अगर हम छोड़ा भी दें तो इसके मुंह से निवाला छीनने के बराबर है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इसको हम डिस्टर्ब करें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और हमें जानकारी दें। हमें ऐसा लगता है कि जो बैंडेड क्रैथ पहले एक बार इनसे अपना आहार छीनना चाह रहा था, वो भी हमें ऐसा लगता है कि वो भी कहीं से घूर फिर करके आएगा। हम इंतजार थोड़ा सा कर लेते हैं। साथियों नज़ारा बड़ा दिलचस्प है, वो भी कहीं ना कहीं से घूर फिर करके आ ही चुका है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, अंधेरा भी बढ़ रहा है। यही है बैंडेड क्रैथ।
जहरीला सांप, इतना ज़्यादा जहर कि किसी भी सांप को बड़ा आसानी से खा लेता है। अब हमें ऐसा लगता है कि वो जंगल की तरफ चला गया, अब वो नहीं आएगा। और ये भी धीरे 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 वाटर स्नैक को अपनी ओर खींचते हुए यानी जंगल में ले जाते हुए, चूँकि एक बिल्डिंग है उसी का ऊपर से हम जूम करके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों तक पहुँचाएँ। बड़ा ही अजीब सिचुएशन है और दिलचस्प नज़ारा भी है, देखिए क्या होता है। वीडियो का आखिरी तक बने रहें, थोड़ा दिल थाम के बैठें, चूँकि वाटर स्नैक बिल्कुल डेथ कर चुका है, उन्होंने अपना न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ दिया है। और वाटर स्नैक बिना जहर वाला सांप और बैंडेड क्रैथ हाईली वेनेमस स्नैक, जहरीला सांप, वो धीरे धीरे आहार ग्रहण कर ही लेगा, मुंह के तरफ से वो ठीक खा लेगा। देखिए ये कैसे खाता है, अगर जंगल तरफ लेकर भाग गया तो समझ लीजिए वीडियो का दाइंड हो जाएगा, और अगर नहीं लेकर के भागता है तब तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा। इसलिए वीडियो का आखिरी तक बने रहें। साथियों, आहार ग्रहण करते हुए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह ये आहार ग्रहण कर रहा है, यानी धीरे 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 धीरे, खास करके बैंडेड क्रैथ ढोंढिया सांप को खा रहा है। चूँकि अंधेरा हो चुकी है इसीलिए हमने अपने एक दोस्त से लाइट की व्यवस्था यानी लाइट मंगाया है, और हमारा मोबाइल का भी लाइट टॉर्च जला दिए हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा कालापन हो, लेकिन देखिए इस तरह नज़ारा बहुत कम देखने को मौका मिलता है। तो वीडियो जब हम लोग शुरू कर ही चुके हैं तो देखिए किस तरह ये आहार ग्रहण कर रहा है। क्योंकि हमने YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखा है, खास करके बैंडेड क्रैथ का जो वोमिटिंग करते हुए, उन्हें छेड़छाड़ करने से वोमिटिंग कर देगा, ये भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो ये भी वोमिटिंग कर देगा। तो हम चाहते हैं वोमिटिंग ना करके ये आराम से भोजन को ग्रहण करे, ताकि लोग इस वीडियो को बढ़िया से समझ पाए कि जीवन चक्र में क्या है, सांपों का बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही है जीवन चक्र। देखिए किस तरह ये भोजन कर रहा है। साथियों, हमने सुना था खास करके कि मनुष्य में एक दूसरे का दुश्मन होते हैं, प्रतिद्वंद्वी होते हैं, लेकिन आज साक्षात देखने का मौका मिल रहा है सांपों में भी ऐसा है। जैसा कि बैंडेड क्रैथ ने वाटर स्नैक ढोड़िया को खा रहा है पकड़कर, इतना में इसका प्रतिद्वंदी एक और बैंडेड क्रैथ आ चुका है, और हम ठीक बिल्डिंग के ऊपर छत में लाइट लगा करके वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखलाई देती है, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने को सच करना है तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। तो साथियों, ध्यान से देखिए एक बैंडेड क्रैथ किस तरह, खास करके इसका जो मूक आहार है ढोंढिया, उसको जिंदा निगल रहा है। जिंदा निगलते हुए आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, वीडियो का आखिरी तक बने रहें, अब पता नहीं क्या होने वाला है। चूंकि इसका एक प्रतिद्वंदी गुट और एक जो है वो भी आ चुका है, तो देखिए इस वीडियो को क्या हो रहा है आखिर तक। दोस्तों, देख रहे हैं आधा से अधिक यानी 100 में 75% वो ढोड़िया को निगल गया है। अब धीरे 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 पूंछ बचा हुआ है। तो दोस्तों, लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता।
लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता, साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं किस तरह ये ढोड़िया सांप को निगल गया, देखते देखते लगभग निगलना ही खत्म ही हो चला है। तो यही है जीवन चक्र। थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब अगर हम लोग करते हैं तो पता नहीं वो उगल देगा। और एक इसका प्रतिद्वंदी गुट और एक बैंडेड क्रैप धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। चूंकि हम लोग एक बड़ा सा छत है, उस छत पर चढ़कर चार पांच मोबाइल का जो टॉर्च होता है एलईडी बल्ब जला दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होगा, इसीलिए आप तक पहुंचाना जरूरी समझ रहे हैं। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं। चूंकि बैंडेड क्रैथ का पसंदीदा भोजन है ढोड़िया सांप, अगर हम छुड़ा भी देते हैं तो वो ढोड़िया सांप और बच नहीं पाएगा। चूंकि इसीलिए नहीं बच पाएगा कि वो न्यूरोटॉक्सिन उसमें छोड़ चुका है और फिर वो बेकार हो जाएगा। खास करके बैंडेड क्रैथ की तबीयत खराब हो जाएगी। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है और प्रतिद्वंद्वी गुट यानी और एक बैंडेड क्रैथ उसको डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच चुका है। चूंकि एक मेल है और एक फीमेल है, अब लगभग खा ही चला है। साथियों जितने भी सांप होते हैं इनका जो पाचन तंत्र बहुत कम काम करता है, धीरे धीरे डाइजेस्टिक सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो होता है वो बहुत कम काम करता है। इसलिए महीने में खास करके सांप जितने भी होते हैं 2 से 3 बार ही भोजन कर पाते हैं, और ठंडी में ठंड के मौसम में खास करके नवंबर 15 से ये भोजन पानी को त्याग देते हैं और हाइबरनेशन की मुद्रा में यानी शीत निंद्रा की मुद्रा में ये लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी जब तक ठंड रहेगी ये खास करके गुफा के अंदर चले जाते हैं। अत्यधिक अगर ठंड लग जाए तो ये डेथ कर जाएंगे। चूंकि सांपों का जो रक्त होता है खून होता है वो खास करके दिस इज वेरी कोल्ड ब्लड एनिमल, इसीलिए ये ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एक प्रतिद्वंदी गुट जो है वो आ चुका है और खास करके उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखा जाए क्या होता है, वो भी चाहता है कि हमें भी हिस्सेदारी मिले। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह सांप एक दूसरे को जिंदा निगल गया है। देखिए एक फिर से उसको डिस्टर्ब करने के लिए एकदम ठीक, अब डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा चूंकि वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब वो पीछे जंगल की ओर मुड़ चुका है। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेटी है तो देश है, हर बेटियों की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा। जय हिंद जय भारत। और जिन्होंने अभी तक चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम।